ओके मैडम मैडम बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, यहाँ पे नहीं होता बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर शकवा साहब, वो मुद्दा ही कह रहे हैं कि आप लोगों ने फाइल नहीं दी अभी तक केस की और कोर्ट में भी पेश नहीं की। ठीक है सर, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज 20 जून है, सोमवार का दिन है और आज की इस वीडियो में बात करेंगे दुआ ज़हरा केस की समाअत के हवाले से। ट्रायल कोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में आज ये समाअत थी। आफ्ताब गोगे साहब जज थे और आज ये जो समाअत हुई इसमें मज़ीद चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं। अली काज़मी साहब जो दुआ के वालिद हैं उनके लिए अच्छी खबर, क्योंकि आज की समाअत में एक पेशरफ्त हुई है। एक तो आपके सामने ये चीज़ रखूँगा, दूसरा सिंध पुलिस का रवैया मैं हर वीडियो में बयान करता हूँ, लेकिन सिंध प्रोसिक्यूशन जो है, जो सिंध का लॉ डिपार्टमेंट है उसकी भी आज जो रवैया था, जो बदतमीज़ी की डिस्ट्रिक्ट अपना जो प्रोसिक्यूटर ने, जो वहाँ सरकारी वकील थे, उसने जिब्रान नासिर के साथ ये क्या मामला हुआ, जज को डांटना पड़ा और फिर बाद में जब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जज को कि जी आप मुझे हिरासा कर रहे हैं, ये क्या मामला हुआ, एक तो ये आपके सामने रखूँगा आज की समाअत में क्या हुआ। और एंड पे आपको एक छोटा सा जो है अली काज़मी साहब का क्लिप भी दिखाऊँगा, क्योंकि कल एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें देखा जा सकता है कि अली काज़मी जो दुआ के वालिद हैं वो लेटे हुए हैं और रो रहे हैं। रोने की क्या वजह है, हमेशा वो कोर्ट में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा मतलब है एक्टिव और मतलब अपने उस पर खड़े हुए नज़र आते हैं, लेकिन आखिर क्या वजह थी कि वो रोए। उन्होंने रोने की वजह खुद बताई है, हमारे सहाफ़ी दोस्त शाहिद हुसैन ने उनसे बात की है, तो वो क्लिप जो है वो भी आपको आगे चल के वीडियो में दिखाऊँगा। लेकिन पहले जो आज की समाअत हुई है, जो आज जो कुछ हुआ है अदालत में, वो क्योंकि आज बहुत ज़्यादा अहम समाअत थी और कल भी मैंने एक वीडियो की थी और आपको बताया था कि जिब्रान नासिर साहब जो है उन्होंने दलाइल देने हैं, ये जो चलान को सी क्लास किया गया है और सिंध पुलिस ने जो एक केस बनाया है कि जी ये सी क्लास है, लड़की अपनी मर्ज़ी से गई, उसने शादी की, मामला पंजाब का है, सिंध का नहीं है, और जो लोग हमने गिरफ़्तार किए थे वो बेगुनाह, उनको छोड़ दिया जाए, डिस्चार्ज कर दिया, और केस को तकरीबन पुलिस ने ख़त्म कर दिया था। उस पुलिस के ख़त्म करने के खिलाफ आज जिब्रान नासिर साहब ने दलाइल देने थे। आज समाअत में क्या पहले आपको बताता हूँ, ये समाअत जी तकरीबन कोई 10:45 बजे के करीब जो है ये समाअत शुरू हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अफसोस की बात है कि प्रोसिक्यूशन के रवैये की वजह से ये समाअत दो बार हुई है। आज सबसे पहले तकरीबन 10:45 बजे जो है समाअत हुई और इसमें जो है जो प्रोसिक्यूटर था वो मौजूद ही नहीं था जब समाअत शुरू हुई। प्रोसिक्यूटर जो है वो सरकारी वकील होता है और वो पेश होता है सरकार की तरफ से, और उसने जो केस का रिकॉर्ड होता है वो पेश करना होता है और उसने अदालत को असिस्ट करना होता है कि उन्होंने आखिर सिंध पुलिस ने ये सारा काम किया ना, तो सिंध पुलिस ने आखिर क्यों काम किया है। अब उनका एक वकील आएगा और वो प्रोसिक्यूटर होता है और वो बताता है अदालत को कि जी ये केस की फाइल है, इसमें ये चीज़ें, और उसने मतलब है जिब्रान नासिर साहब के अपोजिट जो है वो सरकार का वकील आना था, तो वो साहब जो है वो अदालत में मौजूद ही नहीं थे। कोर्ट में जो है बुलाया गया, पता चला कोर्ट ने जज साहब ने पूछा जी प्रोसिक्यूटर कहाँ है, पता चला वो है ही नहीं, फिर जज साहब ने जो है रीडर को कहा, बहरहाल इतनी देर में जज साहब वेट करते रहे और रीडर ने जो है कोशिशें करके जो है वो आखिर प्रोसिक्यूटर साहब तशरीफ़ लाए, लेकिन प्रोसिक्यूटर साहब जब आए तो उनका मैं आपको बताऊँ जो हुलिया था, क्योंकि ये एक SOPs हैं कि जो सरकारी वकील पेश होता है वो पेंट कोट टाई में और बाकायदा वकला के लिबास में होता है, वहाँ पर मौजूद दोस्तों ने बताया कि गैर संजीदगी की ये मतलब है इंतहा थी कि वो बंदा इवन अपने जो ऑफिशियल ड्रेस है उसमें भी नहीं था। बहरहाल जब वो आया तो उसने कहा जी, तो फिर जज साहब ने पूछा कि जी केस की फाइल कहाँ है, तो उसने कहा जी वो तो असल में जो केस की फाइल है ना वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर के पास है, मेरे पास नहीं है, बल्कि सॉरी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर के पास है। तो इसके बाद जो है उसने कहा कि जी, जज साहब ने कहा जी मुझे तो केस की फाइल चाहिए, क्योंकि जिब्रान नासिर वगैरह ने बताया कि जी हम जब फाइल तक एक्सेस चाहते हैं, तफ्तीश क्या हुई है, कितने गवाहान को इन्होंने बुलाया है, कितने गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए हैं, पुलिस डायरी किया है, बहुत सारी, क्योंकि ये पूरी केस की जो फाइल बनती है
इतनी बड़ी फाइल होती है और उसमें सारी चीज़ें लगी होती है केस के ऊपर जो कुछ जिस लम्हे हुआ विद टाइम डेट सब कुछ लिखा जाता है। तो वो वाली फाइल मांग रहे थे जिब्रान नासिर, वो पहले से ये कह रहे हैं कि जब वो पढ़ूंगा तो बाद में दलाइल दे पाऊंगा कि किस बेस के ऊपर इसने इसको सी क्लास किया। तो बहरहाल जी प्रोसिक्यूटर साहब ने कहा कि मैं 5-10 मिनट में लेके आता हूँ। तो बहरहाल वो वहाँ से चले गए और उसके बाद जो है काफ़ी वेट करना पड़ा। जज साहब चैम्बर में चले गए, फिर वो जज साहब ने जो है पूछा तो उन्होंने कहा कि जी वो डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर के पास, और जज साहब ने कहा अगर वो आए तो वो कहेगा कि जी तफ्तीशी के पास है। अजीब मजाक बनाया हुआ है, मैं आपको 5 मिनट का वक्त देता हूँ जाके ये फाइल लें। बहरहाल वो 5 मिनट का कहकर आधा घंटा गायब हो गया जो प्रोसिक्यूटर साहब थे। फिर उसने जो है आज जो है क्योंकि जिब्रान साहब ने जब वो आया तो बहरहाल उसने कहा कि जी फाइल तो मैंने कोर्ट में जमा करवा दी थी, और कोर्ट वाली तो जज साहब ने कहा कि नहीं इसमें तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, कोर्ट में जो फाइल जमा हुई है इसमें वो चीज़ें जिसके ऊपर जिब्रान ने दलाइल देने हैं वो वाली चीज़ें नहीं हैं। तो इसके ऊपर जी जिब्रान साहब जो है उनको कहा गया कि जी जिब्रान ने ये कहा कि अगर मेरे पास ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर मैं किस चीज़ पर दलाइल दूँगा। ये अदालत में उन्होंने कहा, डिस्ट्रीब्यूटर प्रोसिक्यूटर आ गया, फाइल मांगी गई तो उसने कहा कि जी फाइल तो नहीं है, हमने कोर्ट में जमा करा दी थी। बहरहाल उसके बाद जी जज साहब ने कहा कि पूरी केस फाइल जो है वो क्योंकि जज वहाँ पे एक जारी बात है, ये एक लॉ होता है कि इसकी 4 कापियाँ बनती होती केस फाइल की, एक प्रोसिक्यूटर के पास होती है, एक तफ्तीशी के पास होती है, एक जो है वो पुलिस के आला अफसरान को जमा करवाई जाती है, एक कोर्ट में जमा की जाती है क्योंकि कोर्ट रिपोर्टिंग करता रहूँ थोड़ी बहुत चीज़ें बताएं। तो बहरहाल उसके बाद जो है जिब्रान नासिर जब भी प्रोसिक्यूटर कोई बात करता था तो आगे से जो प्रोसिक्यूटर है उसने बाकायदा बदतमीज़ी की, नहीं पता मुझे नहीं आइडिया मैं कैसे बताऊं, ये इस तरह का उसका रवैया था जो प्रोसिक्यूटर का था। जिब्रान नासिर साहब ने बाकायदा तौर पे समाअत के दौरान कहा कि जी आप बदतमीज़ी कर रहे हैं मेरे साथ, इसे मना करें, जज साहब से कहा कि ये मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा है, ये ऐसा ना करें, मैं दलाइल देने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बीच में बदतमीज़ी कर रहा है। तो फिर उसके बाद जी जिब्रान नासिर साहब ने ये कहा कि मैं सवाल कुछ करता हूँ जवाब ये कुछ देता है, तो ये मेरी मतलब उसको वो ठीक नहीं कर पा रहा। तो फिर उसके बाद जी कहा गया कोर्ट में कि जी फिर ये कर लेते हैं कि हम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को तलब कर लेते हैं, जिसके ऊपर प्रोसिक्यूटर साहब ने फिर ये कहा कि जी आप तो मुझे हिरासा कर रहे हैं, आप मुझे समझ लें धमकी दे रहे हैं कि जी आप कह रहे हैं कि जी तुम्हारी जगह फिर प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को बुला लेंगे, तो मुझे हिरासा करने के मुतरादिफ है। बहरहाल तो जज ने कहा कि जी जज ने कहा कि फिर हम प्रोसिक्यूटर जनरल को बुला लेंगे। बहरहाल फिर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नहीं जी ये तो आपको पता है कि कुछ कानूनी पॉइंट्स हैं, कुछ लीगल प्रॉब्लम्स हैं, हम भी चाहते हैं, हमें भी हमदर्दी है अली काजमी साहब के साथ, हम भी चाहते हैं इनकी बच्ची वापस आ जाए, लेकिन आपको पता है ये मसाइल हैं और कानूनी कुछ मुश्किलात हैं। पहले जो है बाकायदा तौर पे इनकी तरफ से ये कहा गया कि जी जज साहब हमें अलग से चैम्बर में मिल रहे हैं, ये मुझे वहाँ से इत्तला मिली है कि जज साहब ने हमें अलग से चैम्बर में मिला, तो जज साहब ने कहा नहीं जो भी होगा वो कोर्ट के अंदर ही होगा, चैम्बर में अलग से किसी को मिलने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल जिब्रान नासिर साहब जो है उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त जमा करवाई है और जो आईजी को खत लिखा है उसका हवाला भी दिया, और जो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी है रजिस्ट्री में उसको भी जो है उन्होंने कोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने के लिए या कोर्ट में पेश कर दी ताकि कोर्ट को ये आइडिया हो। बहरहाल उसके बाद जी उन्होंने बताया बाकायदा तौर पर कोर्ट को जिब्रान नासिर साहब ने कि ये मामला एक तो हम तफ्तीशी की तब्दीली चाहते हैं जो हमारा मुद्दा है, और दूसरा मामला ये है कि इस केस को री इन्वेस्टिगेट किया जाए, हमारी नज़र में इसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुई है। तो इसके ऊपर जो है जो आज की समाअत थी वो जज साहब ने जो है एक तो ऑर्डर किया कि जो कुछ जिब्रान नासिर साहब को जो अली काजमी साहब के वकील को जो कुछ भी चाहिए जो रिकॉर्ड चाहिए, ये होता है मुख्तलिफ केसेस में हम ये देखते आए हैं कि जो किसी तरफ के क्योंकि एक प्रोसिक्यूशन होती है और दूसरा जो है जो मुद्दई का वकील होता है, मुद्दई के वकील की कोशिश होती है कोई पूरा रिकॉर्ड ले ले ताकि उसके ऊपर वो अपने पॉइंट्स बना के फिर दलाइल देता होता है। तो बहरहाल कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया कि जिब्रान नासिर साहब को जो भी चाहिए इसको केस रिकॉर्ड का जितना भी हिस्सा चाहिए जो चीज़ें चाहिए वो जो है जिब्रान नासिर को दे दी जाए, और फिर कोर्ट ने जो है 23 जून को यानी जुमेरात तक जो है इस केस की समाअत को ट्रायल कोर्ट ने मुलतवी किया है। बहरहाल अच्छी खबर है अली काजमी साहब के लिए, मैं ये समझता हूँ क्योंकि ये कुछ केस लग रहा है कि अब थोड़ा राइट डायरेक्शन में अल्लाह करेगा जो है ये चलेगा और लग भी रहा है चलेगा, और उसके बाद जो है जिब्रान नासिर साहब 23 तारीख को आप दलाइल देंगे ये जो केस को सी क्लॉस किया गया है इसके ऊपर, और जो है अपने जो उन्होंने दरख्वास्त दी है उसके ऊपर अदालत को असिस्ट करेंगे कि जी किस वजह से इनको दोबारा ये चाह रहे हैं कि तफ्तीश भी हो और जो वो भी तब्दील किया जाए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी। ये सारी आज की समाअत थी। बहरहाल जो पुलिस के रवैये के बाद जो हुकूमत सिंध के जितने भी सरकारी वकील वगैरह उनका रवैया भी आपने देख लिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये केस ख़राब किया गया है, ये केस इतना ख़राब था नहीं,
खुद ख़राब करने की कोशिश की गई पुलिस की तरफ से भी और सिंध के वकला की जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनकी तरफ से भी। बहरहाल अब आगे देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है, और उम्मीद यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट वाली समात है वो भी एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि इसी हफ्ते हो जाएगी। मुझे बहुत सारे दोस्त जो वहाँ कोर्ट कवर करते हैं वो भी यही बता रहे थे। बहरहाल कल एक वीडियो वायरल हुई थी, वो ये थी कि अली काज़मी साहब लेटे हुए हैं और वो रो रहे हैं। मैंने तो वो वीडियो, मुझे किसी ने फिर कॉल करके कहा कि क्या वजह है, तो मुझे नहीं था पता, तो फिर मैंने वो चेक किया तो कुछ एक दो यूट्यूबर्स ने शायद अब शुरू में लगाई हुई भी थी, तो उसके ऊपर जो है हमारे जो साथी दोस्त हैं वहाँ पर शाहिद हुसैन, उन्होंने बाकायदा कोर्ट के बाहर खड़े होकर ये क्वेश्चन भी कर लिया अली काज़मी साहब से कि जी कल एक वीडियो आपकी वायरल हुई थी और आप रो रहे थे, क्या वजह थी। तो इसके ऊपर जो है अली काज़मी साहब ने उसका क्या जवाब दिया, मैं आप ये देख लें और मुझे जो है इजाज़त दें, मैं वीडियो एंड पे लगा देता हूँ। अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर और इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तो नबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले, अल्लाह जो है सब पे अपना रहम करम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़। देखिए कल फादर्स डे था और मुझे बीइंग ए ह्यूमन, मैं इंसान भी हूँ, मुझे पिछला फादर्स डे याद आया जब मेरी बेटी ने मेरे लिए कार्ड छोड़ा था, वो आज भी मेरे रूम में लगा हुआ है, तो बस वो देख सोच के मुझे ऐसा हुआ।